हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के बायोलॉजी। गाइस, क्लास 11th का हमारा फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम हमारे नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो हमारी 11th क्लास का सेकेंड चैप्टर है। तो गाइज, हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, देखो चैप्टर कंटेंट्स क्या है हमारे, क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, देन हम किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ओके। फिर हमारे फाइव किंगडम्स आएंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हमारा लास्ट टॉपिक होगा वायरस, वायरोस एंड लीजन, राइट। तो गाइज, चलते हैं हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। हमारा इंट्रोडक्शन देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। गाइज, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसी साइंटिफिक प्रोसेस है, एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जिससे हम क्या करते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम ग्रुप में, ऐसे ग्रुप में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, किन के बेसिस पर, उनकी सिमिलरिटी और उनके डिसिमिलरिटी के बेसिस पर, राइट। हमारी जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो एक ऐसी साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ डिसिमिलरिटी एंड सिमिलरिटी, राइट। किस में क्लासिफाई करते हैं, हमारे ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। हम आपने पढ़ा है लिविंग वर्ल्ड में एरआरके ऑफ कैटेगरी, राइट, एरआरके ऑफ कैटेगरी आपने पढ़ा है। किंगडम हमारे सेवन कैटेगरीज हैं, राइट, सेवन एरआरके हैं, टैक्सोनॉमिकल एरआरके, राइट, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर आपने सब पढ़ा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, तो उस क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट। तो चलते हैं हमारे किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम स्टार्ट करते हैं। द अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वर सिंपल एंड बेस्ड ऑन वन और टू करेक्टर। जो सबसे पहला सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, वो बिल्कुल सिंपल था गाइज। जो हमारा सबसे पहला अर्लियर सिस्टम था क्लासिफिकेशन, वो बिल्कुल सिंपल था, ये बात याद रखो, सिंपल था। और जो क्लासिफिकेशन होती थी वो वन या टू करेक्टर के बेसिस पे होती थी, वन और टू करेक्टर के बेसिस पे होती थी। तो हमारे जो फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन का, वो किसके द्वारा परफॉर्म किया गया, हमारे अरिस्टोटल साइंटिस्ट, ठीक है। अरिस्टोटल आपको पता है फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी, राइट। अरिस्टोटल द्वारा हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया, जो हमारी फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन थी, ठीक है। तो गाइज, हम डायग्राम देखते हैं इसका, क्लासिफिकेशन का। देखो ये हमारा डायग्राम, उन्होंने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। यहाँ पे देखो, फर्स्ट उन्होंने प्लांट में एंड देन एनिमल्स में, राइट, कुछ वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया प्लांट्स और एनिमल में। फिर उन्होंने प्लांट्स को किया क्लासिफाई अब सब और ट्री के अंदर, राइट, याद रखोगे, उन्होंने प्लांट्स को किया क्लासिफाई अर्ब, सर्ब और ट्री के अंदर, और एनिमल को किया एनेमा और इनेमा, राइट। एनेमा और इनेमा ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी और अब्सेंस ऑफ आरबीसी, ये हमारे एनेमा और इनेमा है, राइट, जिन हमारे एनिमल्स के अंदर आरबीसीज हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल, उनको उन्होंने क्या किया, एनेमा कहा। और जो एनेमा था उनमें क्या है, हमारी जो आरबीसीज हैं वो अब्सेंट थी, राइट। तो ये है, आगे देखो इन्होंने इनकी, देखो स्टेटमेंट, अरिस्टोटल यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट इंटू सब अर्ब सब ट्रीज, राइट। जो अरिस्टोटल थे उन्होंने किसके बेसिस पर, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बेसिस पर, राइट, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के बेसिस पर उन्होंने क्लासिफाई किया प्लांट को अर्ब सर्ब और ट्री के अंडर। और इसी तरह उन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया एनेमा और इनेमा के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज, राइट, समझ गए। हमारी जो, देखो यहाँ पे आप समझो, जो एनेमा है, ए से स्टार्ट है हमारा जो वर्ड, ये इसके अंदर हमारी क्या है, अब्सेंस है आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल है ब्लड में होती है, जिन भी एनिमल्स के अंदर हमारी रेड ब्लड सेल अब्सेंट होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं, एनेमा, टर्म यूज की थी, राइट, जिन एनिमल्स के अंदर हमारे रेड ब्लड सेल्स अब्सेंट है वो उन्होंने नाम दिया एनेमा का, और इनेमा का नाम दिया उनको जिनके अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो ये है, नेक्स्ट देखो, अब आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट, आप नाम याद रखोगे, किसने दी, लिनियस ने दी, लिनियस ने हमारी टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी, याद रखना गाइज,
ठीक है, लेटर क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम्स, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके, वहाँ पे जो एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दी, उन्होंने किंगडम का यूज़ नहीं किया, उन्होंने किंगडम में नहीं हमारे क्लासिफाई की। सबसे पहले हमारे क्लासिफाई की लीनियस ने, ओके, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम बनाए लीनियस ने, राइट। द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम इंक्लूड सेल वॉल, लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड कॉन्ट्रैक्टल वाइक्यूल, राइट। जो उनका क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का, उन्होंने किसके बेसिस पर, उन्होंने सेल वॉल के बेसिस पर, राइट। हमारे सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंस है, किसके अंदर एबसेंट है, हमारे प्लांट सेल में, हमारे प्लांट के अंदर हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल के अंदर हमारी क्या होती है, एबसेंट होती है। तो इस तरह उन्होंने लोकोमोशन हमारा एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर मैं टिक कर लेता हूँ, सेल वॉल, लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो इन ये पांच चीज़ें हैं गाइज, इन पांच चीज़ों के बेस पर उन्होंने क्या किया, प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया, राइट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको क्लासिफाई किया इनके बेसिस पर, प्लांट और एनिमल्स के अंदर, राइट। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो ये है हमारी टेबल, बताया जो फाइव थे क्राइटेरिया किनके बेसिस पर उनको उन्होंने प्लांट और एनिमल में किया। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो सेल वॉल है वो हमारी प्लांटी में प्रेजेंट है, एनिमल में एबसेंट है। अभी बताया मैंने आपको, सेल वॉल हमारे प्लांट में प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में एबसेंट होती है। लोकोमोशन हमारे प्लांट्स में एबसेंट होती है और एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, राइट। तो ये वही टेबल है जिससे आपको पता चल जाता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको प्लांट और एनिमल में क्यों डिवाइड किया गया, इन पांच क्राइटेरिया, इन पांचों के बेसिस पे, इन पांच जो कैरेक्टर्स हैं इनके बेसिस पे प्लांट और एनिमल को डिवाइड किया गया। कुछ कैरेक्टर्स हमारे प्लांट में एबसेंट है, कुछ हमारे एनिमल्स में एबसेंट है। तो वन बाय वन अभी मैंने सेल वॉल और लोकोमोशन बताया। अब देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमारे प्लांट है वो ईट नहीं कर सकते, बट हमारे जो किंगडम एनिमेलिया है, जितने भी एनिमल्स हैं वो ईट कर सकते हैं, ओके। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो स्लो रिस्पॉन्स शो करते हैं और जबकि हमारे एनिमल्स हैं वो फास्ट, ठीक है, फास्ट शो करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम हमारा प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एबसेंट होता है और एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो गाइस ये याद रखना आप, ओके, ये पाँचों के पाँचों बेसिक किस में हमारे प्लांट में अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं, एबसेंट होते हैं। तो ये हमारी टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑर्गेनिज्म देखो लिनियस ने किस उसमें किंगडम में किस ऑर्गेनिज्म को रखा, हमारे प्लांट किंगडम में उन्होंने रखा बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। देखो यहाँ पे दे रखा है मैंने बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, और एनिमलिया के अंदर प्रोटोजोआ, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, उन्होंने ये रखा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन के आप ड्रॉबैक्स देखो कि क्या कमी रही टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, राइट। दिस टू किंगडम क्लासिफिकेशन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो ये दो किंगडम, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये फ़र्क नहीं बता पाया दो चीज़ों को, क्या है, डिफरेंस नहीं कर पाया उनमें। फर्स्ट है हमारा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में नहीं बताया, ठीक है, उन दोनों ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं बताया। सेकंड है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स, उन्होंने प्रोकैरियोट, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है हमारा, ना यूकैरियोट बताता है ना प्रोकैरियोट को बताता है, राइट। थर्ड देखो फोटोसिंथेटिक, जो ग्रीन एल्गी हमारी फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, ना उनके बारे में उन्होंने कुछ बताया। तो गाइस ये उसके क्या हो गए, ये हमारे ड्रॉबैक्स हो गए किसके, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के, कि इनके बीच में उन्होंने कोई नहीं बताया, कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दी इनके बारे में कि यूनिसेलुलर कौन से हैं, मल्टीसेलुलर कौन से हैं, उनके बीच में कुछ नहीं बता पाया। नेक्स्ट देखो, देर आर फ्यू ऑर्गेनिजम्स लाइक क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना एंड द स्लाइमोड। गाइज ये हमारे बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म आते हैं, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना एंड स्लाइमोल्ड्स, ओके, विच शेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट। तो आप यहाँ पर इसको टिक कर लियो, जो हमारे तीन ऑर्गेनिज्म हैं क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना एंड स्लाइमोल्ड्स, ये हमारे दोनों एनिमल्स और प्लांट्स के करेक्टरिस्टिक्स ले हुए हैं, मतलब कि इनके अंदर दोनों के करेक्टरिस्टिक हैं, प्लांट के भी और एनिमल के। सिंस देर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट फॉल नेचुरली इनटू आइदर प्लांट एंड एनिमल किंगडम,
तो हमारे क्या बताता है ये कि हमारे यहाँ पे जो हमारी अर्थ है यहाँ पे ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो डायरेक्टली डायरेक्ट इन पांच जो हमने बताया जो पांच हमारे करेक्टरिस्टिक थे उनके बेसिस पर हमारे डायरेक्ट क्या है प्लांटी और एनिमलिया के अंडर नहीं आते। ओके तो नहीं आते तो इसका मतलब हमें आगे और क्लासिफिकेशन की बेटर क्लासिफिकेशन की जरूरत थी, तो इसीलिए हमारी आगे और क्लासिफिकेशन आई, फिर आई हमारी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो गाइज ये थे हमारा आज का टॉपिक, हमारी आज की वीडियो यहीं एंड होती है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसमें थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे किसने दी और कौन सा थर्ड किंगडम हमारा बना, राइट। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, सी यू अगेन गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।